अद्विक, क्या खा रहे हो आप? तरबूज। मैं भी तरबूज खा रही हूँ। कुछ नहीं बोला आपने? हाँ, ये किसका है? ये आपका है? ये मेरा है? तुमका नहीं है? तुमका नहीं है? ये किसका है? ये आपका है? ये छोटा सा? ये मेरा है? बड़ा? ये छोटा मेरा है? हम लोग सो रहे थे और ये गार्डन क्लीन कर रहे थे। वापर पूरा साफ हो गया, देख लो। बीच बीच में जो घास वास निकल गई थी ना, अभी क्लीन हो गई है पूरी। ओ, बहुत अच्छा कर दिया गार्डन अब। ये करता हूँ ना, अभी पानी दूंगा। अच्छा, ये पुदीना है, ये देखो, ये पुदीना है। काफी लोग बोल रहे थे कि गार्डन के जो पौधे हैं वो डिटेल में बताओ, तो ये पुदीना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर वो है कड़ी पत्ता, छोटा सा पौधा है कड़ी पत्ते का। ये यहाँ पर थैली क्यों रखी है इधर? ऊपर से गिरी है। और ये सारे गुड़हल का फूल, और ये गुलाब के है, ये है गुड़हल का, ये मनी प्लांट है, और ये सारे गुलाब के ही है। फिर गुलाब बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। गुलाब ऐसे ये कट करते हैं हमेशा हमेशा, इसी वजह से गुलाब अच्छा आता है। अच्छा, ये यहाँ पर रख दिया है। अरे वाह, ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे था पहले, अब ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। आज हस्बैंड पूरा क्लीन ही कर रहे हैं, पूरा गार्डन ही साफ कर रहे हैं। कशासाठी? ओके, अच्छा, ये ना धूप की वजह से, यहाँ पर धूप ज़्यादा लगती है और डायरेक्ट धूप आती है, और यहाँ पर ये ग्रीन नेट लगाई है, तो ग्रीन नेट की वजह से ये यहाँ पर रखी है, मतलब धूप नहीं लगेगी इस टाइम पे, जलेगी नहीं पौधे। और ये यहाँ पर सो के उठी है माही। माही हाय बोल दो। अभी अभी सो के उठी है वो। दोपहर में हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं, मैं भी सो गई थी इसी वजह से। मैं अभी उठी हूँ तो बाहर देखती हूँ तो ये काम में लग गए थे आके। मैं सोच रही हूँ ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलो अच्छा है, काम तो हो गया, लेकिन यार धूप इतनी है, आप इतने धूप में काम कर रहे हो। ये छाया है ना, हवा आ रही है। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही है। मैं जाती हूँ अंदर यार। के रेडी हो चुकी है और हस्बैंड वेट कर रहे हैं चाय का। कब से बोल दिया था मुझे चाय बनाओ करके, तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था। लो चाय लो, इतने देर से वेट कर रहे थे चाय का। और ये ना पता नहीं क्या हो गया इसे, अद्विक बॉल वॉल फेंक देता है इसके ऊपर, तो ये पत्ते टूट रहे हैं इसके, है ना? तो इसी वजह से वो रिपेयर कर रहे थे उस पौधे को। कैसे बनी है चाय? फीकी बनी है। चीनी दू? Hey guys, फ्रेश हो गई हूँ और मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी देर।
और हाँ, मुझे एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी देनी थी आपको। ऐसा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमें घर पे ही बैठना पड़ा है, हम लोग बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो बोर हो रहा है वो टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हैं या टिकटॉक देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग ऑनलाइन चीजें बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से डेटा हमारा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब रिचार्ज हमें बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है कि रिचार्ज भी हमें घर पे ही करना पड़ रहा है, जो बिल्स है वो भी हमें घर पे ही पे करने पड़ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ब्रॉडबैंड बिल हो गया और बहुत सारे बिल है, डीटीएच बिल है, टाटा स्काई बिल है, ये सारे बिल्स आपको घर पे ही पे करने पड़ रहे हैं। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अमेजोन यूज कर रही हूँ, अमेजोन पे मैं कैश करो का यूज कर रही हूँ। अगर आप कैश करो का यूज करते हो तो आपको हर एक रिचार्ज पे कम से कम 50 रुपीज का कैशबैक मिल जाता है वहां पे, तो आपके उससे पैसे सेव हो जाते हैं, तो यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। तो कैश करो एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है जो आपको साल भर 1500 से ज्यादा वेबसाइट पर बहुत ही बढ़िया कैशबैक देती है। यहाँ पर आप कोई भी रिचार्ज करते समय कम से कम 50 रुपए का कैशबैक जीत सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी कैशबैक मिलेगा वो आपकी रियल कैश होगी, वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो या उसे आप अपने अमेजोन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आगे मैं आपको बता देती हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। कैश करो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप कैश करो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद साइनअप करते ही इंस्टेंटली आपको 25 रुपीज़ आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसके बाद आप वहाँ पर कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो और कोई भी ऑफर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अमेजॉन रिचार्ज सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपको ऑरेंज बटन पर क्लिक करके रिटेलर पर जाना है, फिर आपको अमेजॉन रिचार्ज पेज पर जाके अपना जो नॉर्मली रिचार्ज प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट हो जाने के बाद आप अपने कैश करो के अकाउंट में माई अर्निंग पे जाके अपना कैशबैक देख सकते हो। एक बार आपका कैशबैक कंफर्म हो जाए उसके बाद आप उस पैसों को आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो या उस पैसों को आप अपने अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो आपको रिचार्ज के अलावा एजुकेशन वेबसाइट्स पे भी कैशबैक दे रहा है, आप कैश करो की मदद से घर बैठे स्किल्स और अलग अलग कोर्सेज सीख सकते हो और कैशबैक जीत सकते हो। कैश करो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री में पैसे दे रहा है, तो आप ये मौका मत गंवाइए, आज ही कैश करो डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 25 रुपीज आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज, मैं बनाती हूँ डिनर और आज डिनर में कुछ अलग बन रहा है। आज डिनर में ना हम लोग पाव भाजी खाने वाले हैं, हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा चटपटा खाया जाए इसी वजह से पाव भाजी खाने वाले हैं। तो चलिए फिर किचन में जाती हूँ, पाव भाजी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ का लाइट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा डांट खाती हूँ मैं यार लाइट ऑफ करने के लिए, मैं हमेशा लाइट ऑफ करना भूल ही जाती हूँ और हमेशा इनसे डांट खाती हूँ। तो इनका ये कहना है कि बेडरूम का लाइट अगर मैं यूज़ करती हूँ, यूज़ करना हो गया उसके बाद जल्दी से बेडरूम का लाइट बंद कर दिया करो, तो इसी वजह से मैं अभी लाइट ऑफ। तो चलिए अभी जाते हैं किचन में और बनाती हूँ मैं पाव भाजी, तो लग जाते हैं काम में। तो गाइज यहाँ पर पाव भाजी बनाने के लिए मैंने एक कुकर में थोड़ा सा तेल ऐड किया है और उसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा चटकने के बाद उसमें आपको पाव भाजी का मसाला जो है वो 1 चम्मच ऐड करना है, इसमें आपके पाव भाजी मसाले का जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें काट के रखी है, तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो, मैंने 2 टोमेटो लिए थे और बारीक चॉप कर लिए थे। उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ये क्या बोलते हैं बीट रूट, और बीट रूट अगर आपके पास है तो बीट रूट ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास गाजर है तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने आलू काट के रखे थे 2, वो भी ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छे से मिला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। उसके बाद आपको उसमें मटर ऐड करना है, अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप वो ऐड कर सकते हो, मेरे पास फ्रेश मटर नहीं थे तो इसी वजह से मैंने मटर जो है वो भिगोने के लिए डाल दिए थे और उसके बाद मैंने वो मटर बॉयल कर लिए थे थोड़े से, तो वो ही मटर मैंने उसमें ऐड किए हैं। अब इसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे ढक्कन लगा के, मतलब कुकर को ढक्कन लगा के आपको सीटियाँ ले लेनी है, 2 से 4 सीटियाँ आपको ले लेनी है, उसमें ये सारे सब्जियाँ है वो अच्छे से पक जाएंगी और उसका फ्लेवर एक अलग ही आएगा।
सो गाइज़, यहाँ पर फिर पाव भाजी बनाने के लिए मैंने ऐड किया है सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल, उसके बाद उसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्च, और इसे अच्छे से चला लूँगी। आपको गोल्डन ब्राउन होने तक वेट नहीं करना है प्याज को, थोड़ा सा होने देना है तेल में उसे, और उसके बाद उसमें आपको ऐड करना है नमक और फिर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि उसमें आपको ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद आपको अच्छे से उसे चला लेना है, अच्छे से उसे भून लेना है। उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है कसूरी मेथी, और उसे भी अच्छे से भून लेना है, मतलब उसके साथ मिक्स कर लेना है आपको। उसके बाद मैं हरा धनिया उसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से, और उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है पाव भाजी मसाला और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। लाल मिर्च पाउडर ना आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर दोगे ना तो उसमें मतलब थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। आपने जो बटर उसमें ऐड किया है, एक्चुअली मैंने तेल और बटर ऐड किया था इसमें, मैं आपको बताना भूल गई। बस आपका जो मसाला है आपको अच्छे से भून लेना है, उसके बाद हमारा जो सीटी लगाया हुआ जो ये थी क्या बोलते हैं इसे वेजिटेबल्स थे तो वो उसमें ऐड कर देने हैं आपको, और उसके बाद आपको इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे पका लेना है सारी चीज़ों को, ताकि उसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आए, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए वो सारी चीज़ें, मतलब मसाला उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए उभर के। तो इसी वजह से आपको हाई फ्लेम पे उसे अच्छे से पकाना है, काफ़ी देर तक पकाना है, 10 से 15 मिनट तक आपको अच्छे से उसे पकाना है। और पानी आपको अगर कम लगता है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, ताकि हमें आगे आगे चल के उसे स्मैश जब हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, तो इसी वजह से हम उसमें थोड़ा सा पानी पहले से ही ऐड कर देंगे तो वो उसे पकने में हेल्प मिल जाएंगी। और इस तरह से आपको उसमें स्मैश करना है, अगर आपके पास स्मैशर है तो आप उससे आप स्मैश कर सकते हो, और नहीं तो आप स्पून से भी स्मैश कर सकते हो अच्छे से। जब तक आप स्मैश नहीं करोगे और जब तक ये जो मसाला अच्छे से पकेगा नहीं, मतलब सारी चीज़ें सब्जी या मसाले में अच्छे से पकेगी नहीं, तब तक इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आएगा नहीं। तो जो मेरा ये स्मैशर था मेरे पास ये लकड़ी का, तो उसे मैंने स्मैश कर लिया था अच्छे से। उसके बाद आपको उसे छोड़ देना है, स्मैश करने के बाद अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है हाई फ्लेम पे। मैं दोबारा से बता रही हूँ, हाई फ्लेम पे आपको अच्छे से छोड़ देना है पकने के लिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाए और बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आए इसकी। तो इसी वजह से आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है अच्छे से पकने के लिए। और थोड़ा सा अगर पानी आपको ज़्यादा लगता है तो मतलब ऐसा लगता है कि पानी कम पड़ गया है, तो थोड़ा सा पानी आप उसमें ऐड कर सकते हो, और सिर्फ पकने अच्छे से देना है आपको उसे। अद्वि चलो ले लिया ना पानी अब, चलो टिकान मामा बाकी के जो बचे हुए हैं वो पाव भून रहा है, इतने ही बचे अब, और बटर भी खत्म हो गया है तो अभी तेल का यूज करना पड़ रहा है, ऑयल यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे। अद्वि आपका फेवरेट बना है ना आज, हाँ पाव भाजी और ये पाव। अद्वि
कैसा बना है बताओ? टेस्टी है? टेस्टी है? कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? ओ मैं यहाँ पे बैठ जाओ पापा के साथ। माही माही खाने के बाद, अरे आपने खिलाया है माही को, है ना? कैसा बना? अरे वाह। गाइस 11:30 बज गया है और डेली ही इतना टाइम हो रहा है, मुझे बहुत लेट हो जा रहा है। एक्चुअली सोने के लिए तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, कभी 12:30 बज जाते हैं मुझे तो। मेरा तो टाइम नहीं है सोने का, क्योंकि मुझे इसके बाद वीडियो एडिट करना पड़ता है, उसके बाद अपलोडिंग के लिए डालना पड़ता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है मेरा सोने का कोई भी। बट इन लोगों का ये खेलते रहता है, अभी भी ये खेल ही रहा है बाहर बच्चों के साथ, तो ये खेलते रहता है, तो उसके बाद ये कभी 12:00 सोते हैं, कभी 12:30 सोते हैं, तो ऐसे लेट हो ही जाता है। और मुझे भी क्लीनिंग करते करते और डिनर वगैरह करते करते हमें बहुत लेट हो जाता है, तो अभी जाके फ्री होती हूँ और आपके साथ बात करने का टाइम मिलता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आपसे। और हाँ, किसी ने मुझे एज पूछी थी, काफी बार बता चुकी हूँ मैं यार, एज काफी बार बता चुकी हूँ आपको, फिर भी वही क्वेश्चन आते हैं हमेशा हमेशा। किसी ने एज पूछी और पूछा है कि आपके शादी को कितने साल हुए, तो डियर मेरी एज है 31 ईयर्स और मेरी शादी को हुए है 13 ईयर्स। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और हाँ, किसी ने ये पूछा था कि आप इसेंशियल ऑयल कौन सा यूज करते हो, तो मैं डियर इसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ गुड वाइब्स का। कोई भी इसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ तो वो गुड वाइब्स के ही यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पसंद है, तो इसी वजह से मैं ज्यादातर गुड वाइब्स के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। मैं फेस वॉश भी गुड वाइब्स का यूज करती हूँ। फेस वॉश भी पूछा था मुझे किसी ने, फेस वॉश भी मैं गुड वाइब्स का यूज करती हूँ, इसेंशियल ऑयल भी मैं गुड वाइब्स के यूज करती हूँ, फेस पैक भी मैं गुड वाइब्स के ही यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है उनके प्रोडक्ट। अगर हो सकता तो मैं लिंक दे देती आपको, बट आप अभी ऑर्डर नहीं कर सकते लॉकडाउन की वजह से, तो मेरी ऑर्डर कुछ पेंडिंग है वहाँ पे, तो इसी वजह से वो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। कुछ ऑर्डर मैंने किए थे वहाँ पे, बट वो अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक मुझे नहीं रिसीव हुए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत लेट हो गया है, इस ब्लॉग को यही पेंड करती हूँ, और टाइम आ गया है अभी नाम लेने का। तो आज जो नाम होने वाला है वो बेटों के ही नाम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसी है मेरी कि उनके बेटों का नाम लेना उनको अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से मैं उनके बेटों का ही नाम लेने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले रेशमा पोनप्पा ने रिक्वेस्ट की है उनके बेटे का नाम लेने के लिए, तो उनके बेटे का नाम है आयुष उदप्पा। और सेकंड रिक्वेस्ट की है अलमास फिरदौस ने उनके बेटे का नाम लेने के लिए, तो उनके बेटे का नाम है आहिल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और हाँ, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनका नाम लेने के लिए और मैं इस ब्लॉग में उनका नाम नहीं ले पाई, तो प्लीज बुरा मत मानना डियर, क्योंकि मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ 2 लकी पर्सन के नेम और उन्हीं का मैं नाम ले रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मत सोचना कि मेरे कोई क्लोज है तो उनका मैं नाम पहले ले रही हूँ, दूसरों का नाम बाद में ले रही हूँ, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना। आप इस ब्लॉग में कमेंट करके बता सकते हो आपके नाम के साथ, हो सकता है आपका नाम नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। पर आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।